हाँ पैर छू लिया हनुमान जी के। चले चलिए चलिए। देखो ये खेत वगैरह है सामने। नीचे करो नीचे नीचे नीचे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी? देखिए सुबह के 9 बज गए हैं। अब अभी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एटा में घूम रहे हैं। अभी यहाँ से और आगे चलते हैं, रिश्तेदारियों में घूम रहे हैं इस टाइम तो मैं सभी जगह। ओके तो ये देखो मौसम, धूप तेज है। इसे गर्मी में इसको नीचे करो डब्बू, इसे नीचे करो नीचे करो नीचे नीचे नीचे। किसमें? अरे इसकी ये लाइट खराब हो गई है इसलिए जल रही है बार बार। तो भाई हमारी माई निकालती है भैंस का दूध चाय बनाने के लिए ताजा ताजा, और तुम्हारा भाई लेटा हुआ अपने आराम से खुली जगह में पेड़ों के नीचे, खाट बिछाई हुई है चारपाई, उस पर लेट के अपना आराम से एंजॉय ले रहा हूँ। तो आज घूम रहे हैं, अभी खेतों की साइड हैं। और देखो गांव का जो जीवन होता है ना, जो मतलब लाइफ होती है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स वाली होती है। अपने आराम से काम वगैरह करो और अपने आराम से सोते होते रहो। देखो ये खेत वगैरह हैं सामने, और हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है, और सामने का व्यू देख रहे हो आप कितना प्यारा है। और कब वो की झाड़ियों में, चलो 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 जल्दी आओ, आगे चलो आगे आगे, मेरे पीछे आओगे, आ जाओ जल्दी आ, चले चलिए जल्दी आ। क्या क्या बनाया तुमने? सबकी वीडियो बना दी? कैसे बनाई थी? अरे नानी, अरे सब घर, अरे नहीं, अरे ना राजकोट गए थे हम, चलो रुके हो 3-4 दिन, अरे रहया नहीं यहां, ला ला मैं घर ना रहया। चलो भाई चलो, नानी को वीडियो बना लो। हां नानी को वीडियो बना लो, पेट खराब रहे तो अरे माय अरे माई सब जगह तो अरे तो चलो ठीक है। अरे माई माई है नहीं तो दबा के देखे धनी मिर्च की तरह बैठी है वही। चले अब तो कहीं जनी ना आए तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए। देखो ये सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? ये सारे भेंट में मिले हैं, छुपा लो इन्हें, देना नहीं किसी को भी, ठीक है? अब देखो यहाँ की बना दो खेतों की है। ये बाजरा का खेत है। देखो मेरे सामने एटा का श्री कैलाश महाराज जी का मंदिर है, जो काफी पुराना मंदिर है। देखो कितना प्यारा है। हाँ पैर छू लिए हनुमान जी के, चलो 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 चलो। हाँ कूद कूद के नहाया मैं, चला कूद जा, चोट थोड़ी ना लगे किससे, कूद जा चला चला। डरा मैं इसलिए नहा रहा क्योंकि लाइट चली गई है, और हम तो उस वाली में नहाते हैं तो लाइट आ नहीं रही है,
तो उसमें अगर मैं नहाऊंगा तो उसमें जो काई लगी हुई ना ग्रीन कलर की, वो सारी छूट जाएगी, तो सारा पानी खराब हो जाएगा, फिर नहाने मज़ा भी नहीं आएगा। अगर लाइट आ रही होती तो फिर अलग ही मज़ा आ रहा होता। अब मैं नहीं नहा, तो आज नाना दोनों हो गए बच्चों को सभी को। अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। देखो ये ट्यूबवेल है, खाली पड़ा पूरा। कपड़े चेंज कर लिए? हाँ। चिराग कहाँ है? पूरा। हाँ? कपड़े चेंज कर रहा है। चिराग आ जा। ये देखो शाम का वेदर है, कितना प्यारा लग रहा है सूर्य देवता। देखो शाम हो गया, बहुत ही शांति वाला एरिया है यहाँ पे। और चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि अब लग रही है बहुत तेज भूख। सुबह से ये लगा लो ऐसे ही घूम रहे हैं पागलों की तरह, भूखे प्यासे। थोड़ा बहुत खाया था लेकिन ज़्यादा नहीं खाया था। अब शाम को खाने का भी टाइम हो गया, लेकिन खाना मिलेगा थोड़ा लेट, तो उससे पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे रास्ते में। तो आई होप यू गाइस कि आपको हमारा ये आज का जो ब्लॉग है आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मस्ती भरा लगा होगा, क्योंकि आज हम बहुत जगह घूमे हैं। खेत में भी गए थे, ट्यूबवेल पे नहाने गए थे, बट वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी तो बच्चे ही नहाए थे, हम तो लोग हम लोग नहाए नहीं थे। तो अब हम इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।